हे एवरीवन, ओम साई राम। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। और आज है बृहस्पतिवार, तो आज है मेरा व्रत। आप सभी को ओम साई राम। साई बाबा आप सबकी मनोकामना पूरी करें, साथ में मेरी भी करें। तो मैं साई बाबा का व्रत रहती हूँ, तो यहाँ पर मेरी हो रही है पूजा। मॉर्निंग का सारा काम मैंने ख़त्म कर लिया है, फटाफट पूजा भी कर लिया है। तो जैसा मुझे जो समझ में आता है मैं अपने हिसाब से पूजा कर लेती हूँ। और यहाँ पर मेरी पूजा ख़त्म हो चुकी है, मैं फटाफट आ चुकी हूँ किचन में, क्योंकि अभी हो रहा है 8 बजे का टाइम और 9 बजे पति देव को जाना है। तो मेरे पास 1 घंटा है उनके लिए नाश्ता वगैरह बनाने के लिए। तो सबसे पहले मैं चाय चढ़ाऊंगी, क्योंकि नहाने के बाद ना मुझे बहुत तेज भूख लगती है। चाहे मैं 6 बजे नहा लूँ, चाहे मैं 4 ही बजे नहा लूँ, फिर भी मुझे भूख लग जाएगी। तो नहाने के बाद मेरी आदत सी बन गई है ना कुछ खाने पीने की, तो मुझे भूख वगैरह लग जाती है फ्रेंड्स, तो मैं कुछ ना कुछ खाती हूँ। तो यहाँ पर मैंने चाय जो है चढ़ा दिया है, और दूसरी तरफ यहाँ पर मैं खीरा छील रही हूँ। इनके लिए रायता बनाना है, रायता इनको बहुत ज़्यादा पसंद है। तो मॉर्निंग में वैसे ये रायता जो है बहुत कम ही खाते हैं, लेकिन आज इनका मन है तो रायता बन रही है। रात की सब्जी रखी है आलू बैंगन की, तो थोड़ी सी उसको गर्म कर दूंगी, रात वाली सब्जी हो जाएगी और रायता रोटी बना दूंगी। तो इनका अच्छे से नाश्ता हो जाएगा, और यही नाश्ता चाचा जी भी कर लेंगे, तो मेरा काम ख़त्म हो जाएगा पूरा। दोपहर तक तो ख़त्म ही हो जाएगा, उसके बाद फिर शाम को मुझे बनाना रहेगा खाना वगैरह इन लोग के लिए, और अपने लिए मूँगफली वगैरह भून लूँगी। तो सबसे पहले चाय पीऊंगी, और उसके बाद फिर जो है मुझे आटा लगाना है इनकी रोटी बनाने के लिए। तो बस यहाँ पर फटाफट मैंने कद्दूकस कर लिया खीरे को, और यहाँ पर आटा लगा के रख दिया है। चाचा जी आ गए हैं ये देखिए, तो इनको फटाफट मैं चाय दे देती हूँ, क्योंकि चाय के बहुत बड़े शौकीन ये भी हैं। चाय अगर थोड़ी सी लेट हो जाए ना, तो 3 से 4 बार चाय पूछते हैं, चाय बनी। तो पति देव को उतना ज़्यादा चाय नहीं पसंद है, लेकिन मुझे और चाचा जी को बहुत ज़्यादा चाय पसंद है। तो चाय बन चुकी है, चाचा जी को दे दिया है मैंने। दूसरी तरफ अपना चाय जो है निकाल के रख लिया है, और थोड़ी थोड़ी चाय भी पीती रहूँगी, साथ में रोटी भी बनाती रहूँगी, क्योंकि अभी 8:30 का टाइम हो चुका है। आधा घंटा मुझे लग गया इतना सारा कुछ करते करते। और अपने बच्चे के लिए मैंने रबड़ी जो है निकाल के पहले ही रख दिया था। मैं जैसे उठती हूँ ना कुछ मीठा उनके लिए निकाल के रख देती हूँ, और वो खा के ताकि वो पानी पी ले, तो थोड़ा सा पेट वगैरह उनका भरा रहे, क्योंकि रात बहुत बड़ी होती है। और सबसे अच्छी बात ना, मेरा बच्चा बिल्कुल भी तंग नहीं करता मुझे, रात भर आराम से सोता है, मुझे भी सोने देता है। तो मैं मॉर्निंग में उठते ही उनके कुछ ना कुछ खाने की पहले व्यवस्था करती हूँ, उसके बाद फिर अपना सारा काम करती हूँ। तो यहाँ पर देखिए मैंने इनका नाश्ता जो है लगा दिया है, नाश्ता इनका तैयार है, और उसके बाद मैं अपने बच्चे के नाश्ता बनाने की तैयारी कर रही हूँ। उसके बाद मैंने ना फटाफट किचन वगैरह साफ किया, और नाश्ता वगैरह बनाओ चाहे थोड़ा बनाओ चाहे ज़्यादा बनाओ, वो काम उतना फैल ही जाता है। किचन तो बहुत ज़्यादा गंदा हो गया था, फिर बर्तन वर्तन धुला, किचन वगैरह साफ़ किया। उसके बाद यहाँ अभी के लिए मैं सारी सब्जियाँ कट कर रही हूँ, जो जो सब्जी मेरे पास है मैं सारी कट करूँगी। टमाटर प्याज वगैरह सारा कुछ मैं उसको देती हूँ थोड़ा थोड़ा। और इसका मैं बना रही हूँ ना, यहाँ पर देखिए मैंने सूजी भी इसमें डाल दिया है, और सारी सब्जियाँ भी डाल दिया है। थोड़ा सा पानी डालूंगी, आज बृहस्पतिवार है तो अंडा नहीं डालूंगी, दही भी नहीं डालूंगी, क्योंकि ठंडा मौसम है ना, मैं इनको दही नहीं दे सकती। तो यहाँ पर मैंने घी डाला है देसी घी, और इसमें मैं ये जो चिल्ला बनाया है मैंने ना, ये मैं डाल दूंगी। तो कोई भी चीज़ बनाती हूँ इनका, मैं किसी भी तेल में इनको नहीं देती हूँ। मैं इनके लिए कुछ भी खाना बनाती हूँ मैं देसी घी का इस्तेमाल करती हूँ, और हम लोग तो तेल घी सब कुछ खाते हैं, लेकिन इनका मैं देसी घी में ही देती हूँ। तो बस यहाँ पर सारी सब्जियों को मैंने इसी सूजी के साथ ना इसको पीस लिया है, तो ये मेरा बेबी ना अच्छे से खा लेगा और सारी प्रोटीन उसको मिल जाएगी। तो मेरे लिए ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहता है, ये बनाना आसान भी रहता है हेल्पफुल भी रहता है। यहाँ पर उनको चिल्ला बना के दे दिया था मैंने, खिला दिया था। उसके बाद अभी यहाँ पर हो रहा है शाम का टाइम, तो मैं आ गई हूँ किचन में मैं बनाने चाय पीने। आज मेरा व्रत है ना, तो मुझे इतनी ज़्यादा भूख नहीं लगती है, बस चाय वगैरह मिल जाए तो मेरे लिए बहुत हो जाता है। और एक अलग सी एनर्जी आती है मेरे अंदर जब मैं व्रत वगैरह रहती हूँ ना, तो सच में मुझे बिल्कुल भी भूख का एहसास ही नहीं होता है, आराम से पूरा दिन कट जाता है। बस एक बार मॉर्निंग में चाय पीती हूँ, एक बार इवनिंग में पीती हूँ, लेकिन पति देव की नज़रों से बच के मुझे रहना होता है उस दिन, क्योंकि पूछने क्या बनाई क्या खाई, और रोज़ तो कुछ ना कुछ बना ही रहता है, और उस दिन तो 100% पूछते हैं। तो अभी देखते हैं उनके आने तक, इंतजार करते हैं फिर। तो अभी मेरा सारा काम जो है हो चुका है, और मैं जा रही हूँ, चाय भी मैंने पी लिया है, मैं जा रही हूँ ड्राई फ्रूट्स जो है मैंने भिगाया है, तो उसको मुझे जो है पीस कर बॉयल करना है, क्योंकि थोड़ा सा वीकनेस आ जाती है ना व्रत व्रत में। और वैसे भी मैंने कुछ अभी खाया नहीं है, बस मॉर्निंग से चाय ही पिया है, क्योंकि एक दिन व्रत हो फिर मुझे नहीं समझ आता इतना कुछ खाओ, और पति देव आएंगे तो पक्का डांट पड़ने वाली है।
लेकिन मैं कोशिश कर रही हूँ उनके आने से पहले दूध बॉईल करके ड्राई फ्रूट्स जो मैंने भिगाए हैं वो बना लूँ। देखते हैं टाइम से हो पाता है नहीं। और यहाँ पर मैंने भिगाए हैं ये ड्राई फ्रूट्स, तो चलिए फटाफट दूध बॉईल करते हैं। ड्राई फ्रूट्स पति पत्नी शरा के पक्का डाल पड़ेगी। वन सेकेंड। तो यहाँ पर डांट खाने के बाद फाइनली मैंने आलू उबाला और यहाँ पर धनिया भून रही हूँ। आलू धनिया आलू बनाऊंगी व्रत वाला। मैंने देसी घी में धनिया जो है भूना है, धनिया हरी मिर्च है उसको अच्छे से भून लिया है, थोड़ी सी अदरक भी है और अच्छे से भून कर इसी में मैंने मिक्स कर दिया है। तो मैं गुस्सा हो गई थी इसकी वजह से मैंने उनको भी नहीं दिखाया, फिर उसके बाद से कोई ब्लॉग भी नहीं शूट किया। क्योंकि सच में बताऊँ तो मेरा व्रत में कुछ भी खाने का मन नहीं करता, बस चाय मूँगफली वगैरह हो जाता है, यही बहुत हो जाता है। फिर व्रत रहने का मतलब ही क्या होता है, लेकिन पतिदेव को कौन समझाए। तो यहाँ पर मजबूरन मुझे जो है ये काम करना पड़ा। तो यहाँ पर अब मैंने मूंगफली भी भून लिया है, आलू भी जो है हो चुकी है, चाय भी मैंने चढ़ा दिया है। और चलिए फिर फटाफट चाय नाश्ता करते हैं, उसके बाद जो है मिलते हैं आप लोगों से। और मुझे सच में बहुत ज़्यादा एनर्जी आ जाती है और व्रत वाले दिन अलग सी एनर्जी रहती है। सच में मुझे भूख बिल्कुल नहीं लगती। और मैंने देखिए सारा काम आप लोग को दिखाया, सारा काम मैंने किया, ऐसा नहीं है कि मैं कोई काम नहीं करती हूँ। तो यहाँ पर चाय नाश्ता तैयार है, आ जाइए आप लोग भी और खाओ। तो सच में थोड़ा सा अच्छा लगता है, चटपटा वगैरह खा लो तो, लेकिन वो जब देखो ना तभी खाने का मन करता है, ना देखो तो नहीं मन करता है। तो अभी सारा काम हो चुका है और हम लोगों ने नाश्ते में आलू और चाय खाया, आपने देखा ही। मैं बनाने वाली नहीं थी क्योंकि व्रत रहने का मतलब ही क्या है यार, आलू वगैरह थोड़ा सा हैवी हो जाता है। फिर मैंने दूध जो है नहीं पकाया, उसको मैंने फ्रिज में डाल दिया है। ड्राई फ्रूट्स उसको मॉर्निंग में बना लेंगे, या तो अभी तो जो है रात के 8 बज रहे हैं। अगर पतिदेव 10 बजे तक आएंगे, अगर 10 बजे के पहले आ जाते हैं तो बना लेंगे, क्योंकि वो भी कुछ नहीं खाए हैं। उन्होंने कहा कि वही आलू रोटी हो जाएगी, जो मैंने आलू फ्राई किया था ना व्रत वाला, तो वही कहे कि आलू रोटी हो जाएगी। तो देखते हैं अभी और बस। तो व्रत वाले दिन ना ऐसे भी भूख नहीं लगती है, आप कितना भी चाहो कि कुछ खा लो कुछ खा लो, लेकिन भूख नहीं लगती है, मुझे नहीं लगती, पता नहीं। तो बस चलिए फिर आज का ब्लॉग यहीं तक था, बहुत लंबा नहीं करेंगे। और मेरा बच्चा सो रहा है अभी, तो जब उठेगा तो उसको भी कुछ उसको खाना पीना देना है। और चलिए उसके लिए मैंने मॉर्निंग में जो बनाया था उसने वो थोड़ा बहुत खाया, बहुत नहीं खाता इस टाइम, पता नहीं क्यों ना थोड़ा कम खाना वाना खाने लगा है। पहले से बहुत ज़्यादा कम हो चुका है, दुबला भी बहुत ज़्यादा हो गया है। तो ध्यान में बहुत ज़्यादा, अपने हिसाब से मैं बहुत ज़्यादा ध्यान देती हूँ, लेकिन पता नहीं क्यों लंबाई भी उसकी बढ़ रही है ना, तो हो सकता है उसकी वजह से। और मैं सबसे पहले ये नेल पेंट जो है रिमूव करूँगी, बहुत गंदा दिख रहा है ये देखिए, हाथ भी बहुत ज़्यादा गंदे हो गए हैं, पता नहीं कैसे दिख रहे हैं। तो नेल पेंट रिमूव करूंगी, दूसरी लगाऊंगी, यही सब काम बचा है अभी। मेरे पास थिनर नहीं है अभी, पतिदेव अब कल ही आएंगे, मतलब कल ही लाएंगे, आएंगे तो भी लाएंगे कल, तो कल ही मैं मंगाऊंगी तो मैं लगाऊंगी। और अभी जो है जा रही हूँ मैं भी, लेट जाऊंगी क्योंकि कोई काम है नहीं। रोटी मैंने बना के रख दिया है और सब्जी वही है जो मैंने आलू बनाया था। तो चलिए फिर आज का ब्लॉग यहीं तक था फ्रेंड्स, आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। थोड़ी सी वीडियो अच्छी लगी होगी ना तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय ऑल।